What's up guys, welcome back to the channel. I hope you all are doing absolutely fine. And अच्छा सॉरी यार, मुझे बोला गया था कि हिंदी बोलना है. ओके तो चलो आज का वीडियो हिंदी में होगा. लेट्स डू दिस. 1 2 3 गो. वेलकम एवरीवन. आज आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इसॉक्स एलीट पे. मुझको पिछले वीडियो पे बोला गया था कि यार आप हिंदी में वीडियो बनाओ, सो आई एम हियर विद इट. सो आज का जो टॉपिक है जो वो वीडियो एडिटिंग के ऊपर है, जो मैंने पिछला सीरीज स्टार्ट किया था टिडबिट्स ऑफ वीडियो एडिटिंग, आज उसी के बारे में बात करेंगे. एंड आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू ऐड बैकग्राउंड ब्लर. जो पीछे आपका बैकग्राउंड है जो DSLR में दिखाता है ना कि लाइक इट बिकम्स ब्लर, तो उसको कैसे करें. तो यार ऐसे जैसे आप लोग देख सकते हो कि एकदम बिल्कुल नॉर्मल है, तो आप लोग इसको ऐसे चेंज कर सकते हो फ्रॉम दिस टू दिस. यस, तो यहाँ से आप जैसे देख सकते हैं कि यार पूरा बैकग्राउंड ब्लर हो चुका है और एकदम नेचुरल ब्लर का फीलिंग आ रहा है. तो आज यही सीखेंगे, तो आज पूरा वीडियो देखना सीखने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट. तो यार फाइनली हम लोग प्रीमियर प्रो के अंदर आ चुके हैं एंड यहाँ से हम लोग जल्दी से एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे. इसको कोई भी नाम दे सकते हैं आप, जैसे मैं दूंगा यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लर. यहाँ पे मैं बैकग्राउंड ब्लर दे दूंगा. यहाँ पे इंजेक्ट सेटिंग्स पे मैं यहाँ पे क्रिएट प्रॉक्सीस कर दूंगा, जिससे मेरे कंप्यूटर के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है एंड एवरीथिंग रन्स रियली स्मूथ. तो यार यहाँ से मैं एक पहले सैम्पल क्लिप को एक बार इम्पोर्ट कर लूँगा. इसके ऊपर अब हम एडिटिंग करेंगे थोड़ा बहुत. तो यार देख लो, ये मेरा फ़िलहाल का क्लिप है. यहाँ पे दिया हुआ, मैं एक बार इसको म्यूट कर देता हूँ जल्दी से, नहीं तो यार दिक्कत हो सकता है जब उसे स्क्रब करेंगे थ्रू द फुटेज. आई थिंक यहाँ पे थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता है. तो यार हम लोग का इनकोडिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, जस्ट कुछ ही सेकंड्स के अंदर हो जाएगा. यार ये जो क्लिप है इसके ऊपर हम लोग एडिटिंग करें. जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यार जैसे मैंने इंट्रो में भी बताया था कि यार अगर आप वैसा करना चाहते हो तो ऐसे जैसे नॉर्मल क्लिप है. मैं एक बार उसको पार्ट का कुछ काट लेता हूँ. तो जैसे कि ये क्लिप है एंड इसका पीछे का बैकग्राउंड एकदम बिल्कुल सिंपल एंड प्लेन है. मैं कोई इंटरेस्टिंग आर्टिफैक्ट्स या फिर कुछ अच्छा दिखने लगा जिससे कि आप लोग का ऑडियंस को पता चले कि यार आप लोग कितने अच्छे क्रिएटर वगैरह हैं. तो यार इसमें बहुत ही एक सिंपल ट्रिक है जिससे कि आप लोग कर सकते हो इसको बैकग्राउंड ब्लर. आपको जस्ट इफेक्ट्स पैनल में जाके गॉसियन ब्लर को सर्च करना है एंड ये आपको ब्लर एंड शार्पन के अंदर मिल जाएगा. गॉसियन ब्लर आपको जस्ट इसको इसके ऊपर लगाना है एंड यहाँ पर ब्लरनेस फ़िलहाल तो ज़ीरो है. तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको आप अगर ब्लर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये ब्लर हो रहा है. बट इसको हम लोग अभी ब्लर नहीं करते, पहले एक मास्क ड्रॉ कर लेते हैं अराउंड द सब्जेक्ट जिससे कि वो ब्लर ना हो. तो हम थोड़ा जूम इन करेंगे एंड हम लोग इससे इसको फिर से थोड़ा प्रिसाइज होकर हम लोग को ये मास्क करना होगा एंड फिर वो मास्क को हम लोग को ट्रैक भी करना होगा. तो जल्दी से हम लोग ये जगह को स्किप कर देंगे ताकि आप लोगों को वेट ना करना पड़े. तो यार ये पूरा मास्क ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है एंड जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यार इस बटन से आप लोग एनालाइज करके थोड़ा बहुत ट्रैक कर सकते हो. बट इतना मैं क्लिप नहीं ट्रैक करूँगा अभी क्योंकि बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इससे थोड़ा सा छोटा पार्ट मैं यहाँ से कर लूँगा. इससे क्या होगा कि ट्रैक करने में या टाइम कम लगेगा. सो मैं अभी इसको ट्रैक करूँगा जल्दी से जल्दी. इसको क्लिक करेंगे, अगर आप इसको एनिमेट करना होगा इसके लिए आपको ये स्टॉप वॉच साइन को क्लिक करना बहुत ही ज़रूरी होगा क्योंकि इससे मास्क पाथ आपका एनिमेट होगा, इससे थ्री फ्रेम्स बनेगा एंड यहाँ पे पहला की फ्रेम का बन चुका है. मास्क को क्लिक करेंगे
एंड इसको ट्रैक करना। तो पता नहीं ये कैसा ट्रैक किया होगा, एक बार इसको प्ले करके देखते हैं। एंड ये से बहुत ही सही तरीके से ट्रैक किया। तो यार थोड़ा बहुत अगर माइनर एडजस्टमेंट्स आप लोग करना चाहते हो तो कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, बट आई थिंक ये बहुत ही सही लग रहा है। थोड़ा मास्क का फेदर हम लोग ऐड करेंगे। ये जैसे मुंह पे आ गया है तो इसको थोड़ा हम लोग अभी बाहर की तरफ कर देंगे। तो यार हमारा मास्क ट्रैक हो चुका है, हम लोग ने थोड़ा बहुत फाइन एडजस्टमेंट जो चाहिए था हम लोग ने कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लरीनेस पे आप जो देख पा रहे हैं उसको थोड़ा हम लोग इंक्रीज़ कर देंगे। अब जैसे ही आप लोग ब्लर इंक्रीज़ करेंगे तो आपका जो सब्जेक्ट है जहाँ पे आपने मास्क ड्रॉ किया है वो पार्ट ब्लर हो जाएगा। बट अगर आप यहाँ पे मास्क पे जाके इन्वर्टेड ऑप्शन को चूज़ कर दें तो ये आपका बाहर की तरफ ब्लर हो जाएगा एंड आपको पूरा वीडियो जैसा आपको चाहिए था वैसा मिल जाएगा। तो यार जो भी इतना देर तक देख लिए वीडियो प्लीज़ यार इस वीडियो को एक लाइक कर देना। इससे क्या होता है कि मेरा वीडियो रिकमेंडेशन पे जाता है, तो प्लीज़ यार लाइक कर वीडियो को। अगर कोई भी चैनल पे नया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई होप कि आप लोग बहुत कुछ सीख सके इस वीडियो से, और हो सके तो यार किसी को अगर हेल्प करना चाहते हो तो प्लीज़ यार वीडियो को शेयर करो, थोड़ा रीच बढ़ाओ। एंड जो भी आज जुड़ चुके थैंक यू सो मच फॉर दैट। सी यू, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।